टिफी एक जीनियस मंकी है और इसकी लैब में मजे मजे के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। क्या आपने सोल्युबल और इनसोल्युबल मटेरियल्स और इनकी सेपरेशंस होते देखी है? आए देखें टिफी अपनी लैब में ये कैसे कर रहा है। टिफी के सामने रखे इस बीकर में वाटर मौजूद है जिसमें उसने अभी अभी सॉल्ट डाला है। वो ग्लास स्टेरिंग रॉड से इस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है। यहाँ वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्ट सॉल्यूट है। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज में हल्की जा सके उसे सॉल्यूट कहते हैं। ज्यादातर सॉल्यूट्स सॉलिड होते हैं। व्हाइल सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, जबकि सॉल्वेंट उन अशिया को कहते हैं जिनमें कोई दूसरी अशिया हल्की जाती हैं। ज्यादातर सॉल्वेंट्स लिक्विड होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि सॉल्ट एक सॉल्युबल मटेरियल यानी हल हो जाने वाला मटेरियल है, क्योंकि वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। सॉल्ट इज अ सॉल्युबल मटेरियल बिकॉज इट हैज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। पर देखें, जब टिफी पेंसिल का बारीक पिसा हुआ कचरा वाटर में हल करने की कोशिश कर रहा है तो वो डिसॉल्व यानी हल नहीं हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि पेंसिल शेवर्स इनसॉल्युबल मटेरियल यानी ना हल होने वाले मटेरियल हैं, क्योंकि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुए। पेंसिल शेवर्स आर इनसॉल्युबल बिकॉज दे हैव नॉट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। Soluble materials easily dissolve in another substance. Insoluble materials do not easily dissolve in another substance. Conduct a similar experiment to find out which of the following materials are soluble in water: sugar, sand, metal, wood, plastic, dishwashing detergents. जी हाँ, इन सब में से सिर्फ शुगर और dishwashing detergents soluble है। क्या आप जानते हैं कि insoluble materials को सेपरेट करना आसान होता है? ऐसा दो तरीके से किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन। टिफी ने टेस्ट ट्यूब पर फिल्टर पेपर लगा दिया है। अब पेंसिल शेवर्स और पानी का ये मिक्सचर जब इस फिल्टर पेपर में से गुजरेगा तो साफ पानी टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएगा, जबकि पेंसिल शेवर पाउडर फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगा। इस तरह फिल्ट्रेशन की मदद से इनसॉल्युबल मटेरियल्स को अलग किया जा सकता है। इनसॉल्युबल मटेरियल्स को डिकेंटेशन की मदद से भी सेपरेट किया जा सकता है। टिफी ने सैंड और वाटर के इस मिक्सचर को टेबल पे रख दिया है। गौर करें कि बीकर में मौजूद सैंड कैसे नीचे बैठ रही है। 5 से 10 मिनट बाद ये मुकम्मल तौर पर नीचे बैठ जाएगी। अब टिफी एहतियात से पहले बीकर के मिक्सचर को दूसरे बीकर में डाल रहा है। देखें, नए बीकर में साफ पानी जमा हो गया है, जबकि सैंड पुराने बीकर के बॉटम पर रह गई है। इसे हम निथारना यानी डिकेंटेशन कहते हैं। सॉल्यूशन में से सॉल्युबल मटेरियल्स को भी सेपरेट किया जा सकता है। क्या आप सॉल्ट और वाटर के इस सॉल्यूशन में से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं? How can you separate salt from salt water solution?